निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां भाषा के महत्व को, हमारे अंतर्मन से भाषा के जुड़ाव को और हमारी संपूर्ण संस्कृति और संस्कारों की यात्रा में भाषा की अहमियत को प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है। अगर भाषा का विकास होगा तो ही हमारा विकास होगा, और जब तक हम अपनी भाषा से, अपनी जड़ों से, अपने होने से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे दिल में एक टीस, एक फांस, एक खलिश से चुभती रहेगी, और वो खलिश तब और गहरी हो जाती है जब अंग्रेजी बनाम हिंदी की इस लड़ाई को एक नया रूप, एक नए विचित्र तर्क देकर और आगे बढ़ाया जाता है। आजकल कहा यह जा रहा है कि हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी की बजाय रोमन लिपि का उपयोग किया जाए, इसलिए कि रोमन लिपि ज्यादा सहज है। कैसा बाह्या, कैसा घटिया और कैसा स्वार्थपूर्ण तर्क है ये। 52 अक्षरों वाली समस्त वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों से परिपूर्ण अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक वैज्ञानिक लिपि जो है देवनागरी, वो असहज और असामान्य हो गई। और जो 26 अक्षरों वाली तमाम व्याकरणिक त्रुटियों से पूर्ण रोमन लिपि है, वो सहज हो गई, सर्वमान्य हो गई। सिर्फ इसलिए कि चंद अंग्रेजीदा लोगों ने अपने अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में देवनागरी नहीं पढ़ी है, नहीं लिखी है। सिर्फ इसलिए कि वो रोमन के द्वारा ही हिंदी को जानते हैं, रोमन भाषा में ही हिंदी को लिखते पढ़ते समझते हैं, इसलिए वो समस्त सरोकारों से कट जाते हैं और वो इस तरह की बहस को आगे बढ़ाने लगते हैं कि रोमन में ही देवनागरी को लिखा जाना चाहिए। ये भाषा के खिलाफ एक साजिश है। पहले लिपि की हत्या की जाएगी और फिर समूची भाषा को निगल लिया जाएगा। क्या आप, हम सब जो हिंदी से प्रेम करते हैं, जो हमारे संस्कारों की, हमारे भावों की भाषा है, उसको यूं ही खत्म होते हुए देख लेंगे? क्या इस वाहियात तर्क को आगे बढ़ते हुए देखकर हम इसका विरोध नहीं करेंगे? जरा सोचिए।